जय जोहार, स्वागत है अपन के न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। तो चला खबर छत्तीसगढ़ में आगू बढ़बो। बेमेतरा ब्लॉक के ग्राम जेवरी में गलत जगह में चेक डैम के निर्माण ले करीब 80 एकड़ धान के खेत में पानी भर गए, जेकर क्षतिपूर्ति ले के किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में अपर कलेक्टर दुर्गेश वर्मा ला ज्ञापन सौंपिन। किसान नेता कलेक्टर ले फोन में बात करके समस्या ले अवगत कराइस और बेमेतरा कलेक्टर हा समस्या के समाधान करे के आश्वासन दिस। योगेश तिवारी हा अधिकारी ला बताइस के बीते बच्छर प्रभावित किसान मन के शिकायत के बावजूद अब तक उनका समस्या के स्थायी समाधान नहीं होए, परिणाम स्वरूप उमन ला काफी आर्थिक नुकसान उठाए ला पड़त है। बीते बच्छर हुए नुकसान के मुआवजा आज तक नहीं मिले है। प्रभावित किसान कृषि विभाग और जिम्मेदार मन कना बार बार गुहार लगा के थक चुके है। ये बच्छर भी खेत में पानी भरे ले किसान मन ला नुकसान के अंदेशा है। समस्या के निराकरण नहीं होए में किसान मन अपन परेशानी ला किसान नेता योगेश तिवारी ला अवगत कराइन। शुक्रवार के योगेश तिवारी के नेतृत्व में किसान मन क्षतिपूर्ति और समस्या के निराकरण करे के मांग ला लेके ज्ञापन सौंपिन। पिछले 1.5-2 साल से बेचारे परेशान है, किसानों का पूरा फसल चेक डैम गलत बनने के कारण से पूरा डुबान में भर जा रहा है पानी, 5-5, 6-6 फीट पानी भर जा रहा है, पूरा फसल चौपट हो जा रहा है। पिछले 8 महीना पहले भी इन लोगों ने शिकायत किया था कलेक्टर को, विधायक को, विधानसभा क्वेश्चन भी उठा था, कृषि मंत्री का जवाब भी आया था कि सर जल्द से जल्द चेक डैम की जाँच करवाई जाएगी, क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी और जो भी संबंधित अधिकारी जो गलत ढंग से बना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये अपने लोकतंत्र के मंदिर में विधानसभा में सवाल जवाब होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होना बड़ा दुखनीय दुख की विषय है। आज किसानों की तरफ किसी को कोई ध्यान नहीं है। एक तरफ सरकार किसान ही तैसी बोलती है और दूसरे तरफ आज किसानों के मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती है। हम लोग उनको क्षतिपूर्ति राशि देने की हम लोग मांग को लेकर आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया, नेता और उग्र आंदोलन कर।